आप उस दिन गई वो मोमिन के शो पे जी, मैंने आपकी क्लिप देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कौन सी वाली? आपने कहा कि वो एंड मैं चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालें। आपने कहा किसी ने मुझे डीएम किया और बोला कि मैरी मी, आई विल बाय यू अ रेंज रोवर, आई विल गिव यू, आई विल गिव टू अ रेंज रोवर, एंड यू सेड के ब्रो तुम्हारे घर पे मैं दो रेंज रोवर खड़ी करा दूं। तुम क्या बात, एक रेंज रोवर मुझे चाहिए, एक रेंज रोवर। मैं आपको एक बात बताती हूँ, लोगों को असल में nowadays mentality, and nowadays नहीं everywhere I think mentality ये हो गई है। मुझे चाहिए भी Range Rover Vogue। कौन सी Vogue? Vogue चाहिए मुझे। No less than Vogue, हाँ? मुझे लगता है mentality यही हो गई है लोगों की कि अगर थोड़ा सा you know पावर दिखाएंगे, कुछ चीज़ें दिखाएंगे, सो यू नो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड। आई एम सो सॉरी, आई हैव बीन सीइंग, आई हैव बीन डन एंड डस्टेड सिंस आई वाज अ किड, तो मेरे लिए कोई चीज़ देख ली, मेरे लिए कोई जी मेरे लिए कोई फैसिनेट चीज़ नहीं है कि एक ब्रांडेड बैग ले लेना, जूता ले लेना। मैं बचपन से मेरा यू नो मेरी अभी तक कलेक्शन ऐसी है, और मैं इस चीज़ के बारे में इतनी ऑनेस्ट हूँ, यू नो मैं जब निदा के शो पर भी जाती हूँ किसी और शो पर, तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरे दो शौक हैं, एक अच्छे जूते और अच्छे बैग्स। मैं सारा इन्वेस्ट ही बचपन से यू नो कजन्स को पॉकेट मनी मिलता होता था, और मेरे सारे कजन्स You know, 10 चीजें ले लें। I was never that kid कि मुझे 10 चीजें नहीं लेनी। पॉकेट मनी कितनी मिलती है? ये तो बताएं आप कि आप मतलब इतने पेयर ऑफ शूज आपके एक्सपेंसिव आपने अगर खरीदे तो कितनी पॉकेट मनी मिलती थी आपको? Thousands of dollars, I suppose. But how many pairs of shoes do you own? Right now? हाँ. I think I have, माशाल्लाह माशाल्लाह, touch wood, 85. खामोशी, सारी लड़कियां चुप कर गई हैं। 85 pairs of shoes, which would make it 80, 81, 60, तो ये 170 like shoes. 80, 85. 160 हो गया ना, दो पैर हो गया, तो 160 जूते। रखती कहाँ पे आप ये जूते? घर पे। Obviously. No, as in, I know what you're saying. नहीं, आपने क्या अलग से एक कमरा बना दिया होगा? पूरा दो तीन रूम्स मिलके एक यू नो लाइक अ वार्डरोब, वॉक इन क्लोजेट, जूते, बिकॉज मेरा यही था। मैं आपको बताऊँ, अभी से ऐसी नहीं हूँ, मैं बचपन से ऐसी हूँ। अगर मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी एक अपनी बचपन की पिक्चर लगाई थी, तो लोग मुझे कह रहे हैं कि बचपन से यू आर लाइक यू नो ऐसे बैठने वाला बच्चा, ऐसे बैठेंगे तो शर्ट ऐसे करके बैठेंगे, खाएंगे तो नैपकिन ऐसे लगाएंगे। आई वाज लाइक हाँ, क्योंकि मम्मा ने इन चीज़ों पर बचपन से ही, वो उनका ये मानना था कि जब आप 6 years तक के हो जाते हैं तब तक आपका जो ब्रॉटअप होता है ना, तब वो बन जाता है, राइट? 6 to 7, तो उन्होंने वो 6 to 7 पे इतनी मेहनत कर ली कि मुझे अब जब मैं चीज़ें अकॉर्डिंग टू नहीं देखती हूँ। जो आप कह रहे थे कि भागना, वो भी वन ऑफ द रीज़न ये था कि व्हेन थिंग्स वर यू नो आई डोंट माइंड ऑनेस्टली, मैं ज़मीन पे मैं ऐसी हूँ कि मैं ज़मीन पे बैठ के भी खाना खा लूँ, मुझे इन चीज़ों से 1% भी मसला नहीं होता। मैं टाइम के साथ साथ और ग्राउंडेड हो रही हूँ। मुझे लगता है कि जी सब ने सब चीज़ें इधर ही रह जानी है बाय द एंड ऑफ द डे। सबसे बड़ी और पहली चीज़ ये होती है कि आपसे के जो सामने लोग हैं, और आपसे बेसिकली जो आपसे नीचे लोग हैं इन टर्म्स ऑफ सेट पे, पॉली वाला, मेकअप वाला, किचन वाला, कपड़े प्रेस करने वाला, मैं आई थिंक एआरवाई के साथ बैक टू बैक काम इसीलिए कर रही हूँ, एक प्रोडक्शन से जंप होती हूँ दूसरे प्रोडक्शन पे, बिकॉज उनको ये बात पता है कि ये बिकॉज मैं ना हर किसी के बारे में सोचती हूँ, एंड ये मेरे अंदर है। मैं जब मोमेंट के शो पे भी गई थी तो वो कहता है कि ही इज़ लाइक ओ लीडर लीडर, आई वाज लाइक इट्स नॉट अबाउट लीडर, इट्स अबाउट मेरे अंदर से सबके लिए फील आती है, और मैं वाकई ही सबके लिए सोचती हूँ। मुझे किसी से इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी की गुड बुक्स में बैड बुक्स में होना, आई एम सो सॉरी, मैं जिसकी बुक में जहाँ हूँ आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। मैं सच बात आपको कह रही हूँ, हर दूसरों का सोचना चाहिए। बेचारे पॉली वाले, वो मतलब आई थिंक पर डे पे होंगे या आई डोंट नो मंथ सैलरी वाइज होंगे, जो भी एक्स वाई जी, मैं ना कर सकती हूँ ना मैं देख सकती हूँ, अगर कोई करेगा तो मैं उसको रोकती हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छा, मुझे ये बताएं, एक और परसेप्शन है कुछ लोगों की हमारी इंडस्ट्री को लेके कि भाई यहाँ पे तो कास्टिंग काउच भी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे आप जब इंडस्ट्री में आ जाते हैं, अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट कुछ ऑडियंस का ये भी सर्टन सेगमेंट ऑफ द ऑडियंस थिंक्स के यार के ओ भाई ये तो एक्टर है या एक्ट्रेस है, ये तो दो नंबर ही होगा या होगी। आपने कभी इस तरह की परसेप्शन को फेस किया है, या फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री कभी आपने अनटुवर्ड बिहेवियर एक्सपीरियंस किया है किसी का? मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, यही तो बात है ना कि हम कहते हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं ओनली वी नो, आउटसाइडर जो कि हमारी आवाम है, हमारी मासेज है, उनको कुछ नहीं पता है। जो दिखता है उनको वही नज़र आता है। आपने इंटरव्यू में बैठ के कह लिया कि मैं ये वो कहेंगे, अच्छा बस यही है, यही पिक्चर है, आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता। एंड मी बीइंग बिलोंगिंग फ्रॉम अगवानी फैमिली, ठीक है आप दुनिया में जो भी पहन लो, जहाँ भी रह लो, इंस्टाग्राम तो मेरा प्राइवेट था,
लाइफ मेरी पूरी प्राइवेट थी, पब्लिक आई तो नहीं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं था, राइट. लेकिन उस फैमिली के लिए भी एक्सेप्टेंस करना कि इंडस्ट्री में आना, एक मैं आपको बात कहूँ, जब आप जिस चीज़ में नहीं होते ना, आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता. फॉर इंस्टेंस एक एक्टर है, एक एक्टर के बारे में आवाम कहती है कि यू नो एक्टर ऐसे होते हैं, एक्टर में एटीट्यूड होता है, उनमें ये होता है, अपने आप को कुछ समझते हैं, बिग पीपल दिस एंड दैट. अनटिल एंड अनलेस आपका किसी चीज़ से इंटरेक्शन नहीं होता, आप मिसकंसेप्शन हर बंदे ने अपने दिमाग में पाले होते हैं. सही बात. और वो क्लियर तब होते हैं जब आप उस चीज़ के अंदर होते हैं या उनसे इंटरेक्ट करते हैं. आप जब अंदर आए इस चीज़ के, तो आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है? मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं बैक टू बैक यू नो मैं एक ही चैनल पर स्टिक हूँ, तो लोग कह रहे हैं एक ही चैनल पर क्यों स्टिक है, शी शुड डू जियो, शी शुड डू हम, यू नो. एंड आई एम लाइक, ये भी आती होंगी आवाज़ें शायद के पर्ची है कोई कोई पर्ची आपको इन द बिगिनिंग, तो फर्स्ट ड्रामे से ही ना उसे एक पर्ची का मतलब ही नहीं पता था ब्रो कि क्या मीनिंग होता है कि पर्ची. अब तो मुझे पहले ड्रामे के बाद ही पता चल गया था. तो पर्ची सारे ड्रामे करती होती है, या पर्ची मतलब पर्ची से आवाम भी पसंद करती होती है उसको. आई एम जस्ट सेइंग, अगर आवाम आपको प्यार दे रही है तो आवाम ने पर्ची दी हुई है या ली हुई है, एक जनरल बात है, राइट. अगर आवाम प्यार दे रही है और आवाम आपको जान रही है, आपको कैरेक्टर के नेम से जान रही है, तो आवाम ने आपकी पर्ची दी हुई है या आवाम ने आपकी पर्ची ली हुई है, आई एम जस्ट सेइंग. तो जवाब शट अप कॉल मुझे लगता है सबको उधर ही मिल जाती है. पर्ची अगर किसी की हो भी ना, तो मुझे लगता है कि लोगों की पर्चियाँ एक मरतबा, तो अगर कोई लोग हमारे प्रोडक्शन हाउसेस के जो ओनर्स हैं वो कोई स्टूपिड लोग नहीं है, वो स्मार्ट इनफ वेल सारे लोग हैं जिनको पता है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा अपनी प्रोडक्शन वाइज. कॉन्वर्सेशन है ना पर्ची, हम उसको उर्दू में कह रहे हैं, बट अदरवाइज आप ये कॉन्वर्सेशन सुनते हैं नेपोटिज्म की या फेवरेटिज्म की. और मुझे तो नेपो बेबी कहते हैं कि यार भाई का ये एक बच्चा है कि यू नो. आप कैसे नेपो बेबी हो? लेकिन मुझे आपके तो अब्बा तो नहीं, मेरे अब्बा मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है इस इंडस्ट्री में. मैं पहली एक शख्स हूँ और मुझे लगता है कि मैं आखिरी ही होंगी. मैं पहली और आखिरी. नाम रोशन करो भाई अम्मा अब्बा का. तो नाम तो मैंने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. ये नहीं बोलो कि आखिरी होंगी, एज इन लाइक आई एम जस्ट सेइंग यू नो, मतलब मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है. तो मुझे लगता है कि मुझे लोग कहते हैं कि नेपो बेबी है, बैक टू बैक शी इज ओनली डूइंग एआरवाई. सो आई एम लाइक, आपने इस तरह ज्यादा फेस किया? मैंने सिर्फ ये फेस किया कि यू कहते हैं कि सिर्फ व्हाई शी ओनली डज एआरवाई, शी शुड डू जीओ. एंड आई वाज कभी आने वाला, वेट तो करें ना. कर रही हो आप और चैनल्स के लिए भी आपका ठीक है. तो होपफुली जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो आपको ये ताना मारते हैं पर्ची का, अब भाई पर्ची उन्होंने जियो में भी लगा ली. हाँ, मैंने हर चैनल में ही लगा ली है ना, लाइक हाउ फनी इज दैट. अभी मैं इधर बैठी हूँ एक्सप्रेस में, तो हो सकता है इधर भी पर्ची लगा ली. और इसका मैं प्रूफ आपको दूंगा अगले 2-3 दिन के बाद, अगर कोई बाहर रेंज रोवर खड़ी हुई, मैं आपको इंस्टा पे स्टोरी लगा के देखें, ये रेंज रोवर पहले नहीं थी, अब यहाँ पे खड़ी हो गई. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको, जैसे आपने बताया कि यू हैपन टू नो एमन, और उसकी वजह से आपको इनिशियल एक मिल जाती है, आसानी हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है 100% यार आपके ऐसे कनेक्शन हो. बट आप सर्वाइव इन द लॉन्ग रन तभी करते हो जब आप में टैलेंट हो. जब देखिए एग्जैक्टली यही बात है ना, अगर टैलेंट ना होता तो मैं इतने टाइम से अभी भी मैं क्या कर रही हूँ, लाइक एज एन एक ड्रामा मेरा रैप अप होता है तो मतलब स्क्रिप्ट्स एंड ऑफर्स, एंड मैं थोड़ी चूजी हूँ ना. वही मुझे याद है इरफान भाई जो है सिक्स सिग्मा के, इरफान भाई हुमायूं भाई, अभी जिनका मैं ड्रामा, अभी मैं जो ड्रामा मैंने अपना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह रैप अप कर लिया, विच इज अदावत, अदावत वो नेक्स्ट लेवल, सना शाहनवाज और जॉइन शाहनवाज के लिए सना और समीना आपिया, तो मतलब मेरे तो जैसे रिश्तेदार हैं सारे, मैं तालियां बजवा रहा हूँ उनके लिए. अच्छा या तो मतलब यू नो मुझे लगता है अच्छे लोग, और मैं तो क्रेडिट हमेशा दूंगी सबसे पहला ड्रामा जिन्होंने चांस लिया, विच वॉज अब्दुल्ला भाई, पाकीज़ा फुपो, एंड या बहुत अच्छी बात है.